दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि NIOS DLED के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जो पहले ऑर्डर रिजर्व था। इस आदेश में बताया गया है कि NIOS DLED जो है वो रेगुलर DLED के तरह मान्य नहीं है, यह बस पहले से जो टीचर थे उनके लिए है, न कि फ्रेश टीचर के लिए है। तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे। बहुत से लोगों को BPSC के थ्रू नौकरी मिल गया है, पिछले हफ्ते 10 दिन में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो सवाल होगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, दो तीन मुख्य बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जिसमें मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जो भी फैक्ट है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं उसे ही आपको बताऊँगा। नंबर एक, पहली चीज़ तो सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो ज्वाइन कर लिया है तो इतना आसान भी नहीं है कि आपको तुरंत कोई नौकरी से हटा दे। हाँ, ये है कि बिहार सरकार इसमें पहल कर सकती है, वो चाहे तो जाके सुप्रीम कोर्ट में एक अपना याचिका दायर करे, जिसमें वो ये बताए कि सर, हमने ये भर्ती वैकेंसी कर दी है और बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और इस वजह से अब ये पॉसिबल कम है कि मैं इसे कर पाऊँ। तो सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मिलेगा कि उन्हें क्या करना है। तो ये सरकार का अब काम है कि सरकार क्या करती है, ठीक है। तो सरकार को ये खुद पहल करनी चाहिए कि आगे इसमें बच्चे परेशान हैं क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दूसरा चीज़, बच्चे खुद जाएँ और वहाँ पे ये पूछें कि भाई ये जो किस डेट से ये लागू होगा, किस डेट से ये जो है आदेश लागू होगा, क्योंकि बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। किस कई लोगों के लिए नौकरी एक सपना होता है कि 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार का सपना होता है। BPSC एग्ज़ाम दिया, क्रैक किया, कोर्स को एक तरफ रखिए, तो उन्होंने एग्ज़ाम दे के उसको पास किया। अब वो जब नौकरी करने लगे, घर में खुशी आ गई, तो अब ये आदेश आया। तो चूँकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये वहाँ पे क्लैरिफाई किया जा सकता है कि ये कब से लागू होगा, क्योंकि वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्हें इससे छूट दी जाए। तो ये पहल अगर सरकार करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ही हमें अपॉइंट की है, गवर्नमेंट ही हमें सैलरी देगी। तो गवर्नमेंट अगर जाती है इस पक्ष को लेके, और सबसे बड़ी बात ये है, नंबर तीन ये कि जो NIOS DLED वाले बच्चे हैं बिहार में, जो बच्चे जो 62,000 लगभग प्राइमरी में 1 to 5 में ज्वाइनिंग मतलब अलॉटमेंट हुआ है, जो रिजल्ट आया है, इसमें से 28,000 आपके नियोजित वाले हैं। नियोजित वालों के बाद जो संख्या बचती है लगभग 44,000, उन 44,000 में जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसमें 70 से 80% NIOS DLED हैं। 14,000 अदर स्टेट को छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 से 20 या 25,000 लोग इसमें होंगे NIOS DLED वाले। तो इतने लोगों का परिवार, इतने लोगों का भविष्य, क्योंकि अगर कुछ करना था तो ये पहले करना था। नौकरी मिलना एक तो बड़ी मुश्किल है, उसके बाद नौकरी मिल गया तो इतनी जल्दी एक तो जाती नहीं है, और अगर इस तरीके से होगा तो बहुत घबराहट होगी, बहुत परेशानी होती है। तो ये सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको गवर्नमेंट के पास, अथॉरिटी के पास अपना पक्ष रखना है। दूसरी बात, आप क्लेरिफाई करने के लिए खुद जा सकते हैं कोर्ट में। और तीसरा, खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद।